अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द तुगलक डायनेसिटी। आफ्टर द खिलजी डायनेसिटी तुगलक डायनेसिटी बिकम द न्यू डायनेसिटी ऑन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो हमने जो जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने जो है खिलजी डायनेसिटी को डिस्कस किया था, और आज हम जो है इस तुगलक डायनेसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जो है खिलजी डायनेसिटी जो है जब ख़त्म है मतलब उसका इंतकाम आ गया था, तो बाद में जो है ये एक जो तुगलक डायनेसिटी है वो एक जो है न्यू डायनेसिटी बनी दिल्ली सल्तनत से। गयासुद्दीन तुगलक टाइटल वाज द वार्डन ऑफ द मार्चेस। ठीक है, तो उसका क्या टाइटल था? वार्डन ऑफ द मार्चेस। द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक वाज गाजी मालिक। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक थे उसका जो रियल नेम था वो गाजी मालिक था। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर हु कंसिडर्ड एज किंगडम एज ए पार्ट ऑफ द दारुल इस्लाम। ठीक है, तो उसने जो है जो अपनी जो हुकूमत थी उसको जो है ना जो अपना उसका रूल था रूलर थे वो उसने जो अपनी जो किंगडम थी उसको दारुल इस्लाम का पार्ट बनाया। द टॉम्ब ऑफ द शाह रुकनुद्दीन आलम वाज बिल्ड बाय द गयासुद्दीन तुगलक। जो रुकनुद्दीन आलम का जो मकबरा है वो किसने जो है बिल्ड करवाया था? वो जो है गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत डाइड ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द वुडन पवेलियन। ठीक है, जो है जो उसका तख्त होता है जिसको हम झूला कहते हैं वो जो है उससे गिरकर वो जो है ना मतलब के मर गए थे। गयासुद्दीन तुगलक वाज सक्सेसेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। जब गयासुद्दीन तुगलक का जो है इंतकाल हो गया था उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका बेटा था उसने जो है ना ये तख्त संभाला था दिल्ली सल्तनत का। और वो कब संभाला था? तकरीबन 1325 AD में, 1325 में। ठीक है, द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज जुना खान। ठीक है, जुना खान वाज द रियल नेम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक इशूड कॉपर कॉइन इंस्टेड ऑफ द सिल्वर कॉइन। ठीक है, तो उसने जो है कॉपर कॉइन का इशू कराया हुआ था। अब मोहम्मद बिन तुगलक वाज एक्सपर्ट इन फ़िलासफ़ी मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो किस चीज़ के एक्सपर्ट थे, माहिर थे? वो जो है फ़िलासफ़ी उस वो फ़िलासफ़ी जानते थे, और जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उसको वो फ़िलासफ़र थे। ठीक है, एंड एस्ट्रोनॉमी वो जो है ये तीनों के एक्सपर्ट थे जो है मोहम्मद बिन तुगलक। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मोहम्मद बिन तुगलक क्रिएटेड दीवान कोई। ठीक है, दीवान कोई जिसको कहते हैं, तो उसको जो है एग्रीकल्चर को मतलब इम्प्रूव वगैरह करने के लिए उसने जो है ये दीवाने को ही जो है इंट्रोड्यूस मतलब क्रिएट किया था। इब्ने बतूता ऑफ द कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन वाज अपॉइंटेड एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली सल्तनत बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो जो इब्ने बतूता थे उसने जो है अपने जो दिल्ली सल्तनत की थी उसका जो है काजी जो है चीफ काजी जो है उसको बनाया था इब्ने बतूता को। अब इब्ने बतूता कौन था? इब्ने बतूता वाज़ ए ट्रेवलर फ्राम द मोराको नेशन। ठीक है, तो वो मोराको से थे उस वो जो है एक ट्रेवलर थे, सफ़र करते थे इब्ने बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ड अ टॉम्ब ऑफ द सेंट नाजमुद्दीन औलिया। जो निज़ामुद्दीन औलिया एक बड़े जो है बुजुर्ग रह चुके हैं, उसका जो मकबरा है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिल्ड करवाया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक वाज़ डाइड इन सिंध। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो मतलब कि वफात पा गए थे वो सिंध जो दो जो पुरानी सिंध थी उसमें जो है ना ये वफात पा गए थे। फेरोज शाह वाज इस्टेब्लिश दीवान खैरियत टू हेल्प प्योर एंड पुअर एंड नीडी पीपल। ठीक है, तो ये जो है ना इसने दीवान खैरियत क्यों बनाया था कि जो भी गरीब लोग हैं जिसको ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, तो उसके लिए जो फेरोज शाह थे उसने दीवान खैरियत मतलब ये इंट्रोड्यूस करवाया था, इस्टेब्लिश करवाया था। द ड्यूरेशन ऑफ फेरोज शाह तुगलक विजन वाज 1351 to 1388। ठीक है, तकरीबन 1388 तक उसने जो है ना वहाँ पे जो है ना जो दिल्ली सल्तनत थी वहाँ पे हुकूमत रहे थे। द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेसिटी वाज नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये आखिरी जो है ना हुक्मरान थे तुगलक डायनेसिटी के। तुगलक डायनेसिटी एंडेड इन 1480। ठीक है, तकरीबन 1414 में इसका जो है ना ख़त्म इंतकाम हुआ था।
तुगलक डायनेसिटी रूल्ड फॉर 94 ईयर्स, ठीक है, तकरीबन 94 ईयर्स उसने जो है ना दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था। ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था, तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।